हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम हिंदी 50 मार्क के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को हिंदी 50 मार्क का एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जो है रिवीजन होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर शामिल किए हैं जैसा कि दोस्तों आप लोग को बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है पूछ रही है, रहीम लिखित दोहावली में कितने पदों का संग्रह है। आपको बता दें कि रहीम जो है कवि, उनका जो सभी दोहा हैं एक बुक में लिखा गया, उसका नाम है दोहावली। और उस दोहावली में कितने दोहे हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दे कि रहीम के दोहावली में 300 दोहे हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर में 300 दोहे का, 300 दोहे का संग्रह है, मतलब 300 दोहा उसमें लिखा गया है। और आपको बता दें कि उसी 300 दोहा में से 10 मात्र 10 दोहा जो है आपके बुक में, आपके सिलेबस में डाला गया है। आप सभी जानते भी होंगे, अगर दोहा पढ़े होंगे तो 10 दोहा ही आपके सिलेबस में डाला गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो दो नंबर प्रश्न है पूछ रही है कि रहीम के अनुसार भीख मांगना कैसा कार्य है। रहीम जो है भीख मांगने के बारे में क्या बोलते हैं, कैसा कार्य है भीख मांगना, ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, रहीम के अनुसार भीख मांगना एक अपमानजनक कार्य है, मतलब एक अपमानजनक कार्य है। इसको दोस्तों भीख मांगने के प्रॉब्लम को या फिर उसके बुराई को, उसके अपमान को रहीम कभी आपके बुक में दो दोहा के मदद से समझाने का काम किए हैं। पहला दोहा तो दोस्तों है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। इस कभी, इस जो आपका दोहा है इसका अर्थ है, रहीम कभी कहना चाहते हैं, बोलते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, मतलब वे नर, वे व्यक्ति मर चुके हैं जे कहूँ मांगन जाही, मतलब जो व्यक्ति कहीं किसी दूसरे से मांगने के लिए जाता है, समझो मरा हुआ है। मरा हुआ कहने का मतलब है दोस्तों कि व्यक्ति दूसरे से मांगने के लिए उसी स्थिति में जाता है जब उसका अपना सारा उपाय, अपना सारा बुद्धि क्या हो जाए दोस्तों, अपना सारा जो प्रयास होता है वो ख़त्म हो जाता है, तब व्यक्ति कभी भी किसी से दूसरे से क्या करता है, मांगने जाता है। इसीलिए कभी बोले हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, मतलब वे नर, वे मनुष्य मरे के समान है जो किसी के वहाँ मांगने के लिए जाता है। और फिर आगे कभी कहते हैं, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है प्रॉब्लम में है और वो आपके यहाँ या फिर किसी व्यक्ति के यहाँ मांगने के लिए जाता है कुछ भी ज़रूरत का चीज़, तो जो मांगने के लिए गया है वो तो मरा ही हुआ है, मतलब मरा हुआ कहने का मतलब है कि उसका सारा रास्ता बंद हो चुका है, सारा प्रयास, सारा उपाय खत्म हो चुका है, तब वो आपसे मांगने के लिए आया है। तो कवि कहते हैं कि उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही, यानी कि जो मांगने गया है उससे भी पहले वो मरा हुआ है जो ये बोल देता है कि मेरे पास भी ये सामान नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई मांगने आया कुछ भी कोई चीज़ और हम बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, सही में नहीं होता, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति से पहले, इसका मतलब है कि मैं ही मरा हूँ, मतलब जो मेरे पास नहीं है मतलब उससे भी मैं गिरा हुआ हूँ। तो ये एक दोहा के द्वारा जो है कभी समझाए हैं। और मांगने के प्रति जो है दूसरा दोहा और जो है इसमें दिया गया है कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम। कभी बोलते हैं कि मांगे घटत रहीम पद, मतलब मांगने से पद घटता है, कितो करे बर काम, कितना भी आप बड़ा काम क्यों ना करते हो या फिर बड़ा काम क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मांगने से पद घटता है। एक उदाहरण के आधार पर, एक उदाहरण के मदद से कभी इसमें समझाने का कोशिश भी किए हैं कि मांगे घटे रहीम पद, मांगे घटत रहीम पद कितो करे बर काम, तीन पैर वसुधा करी तऊ बामने नाम। तीन पैर वसुधा करी तऊ बामने नाम का अर्थ आपको समझना है। कवि एक उदाहरण देते हैं कि मांगने से पद घटता है। आपको बता दे कि विष्णु भगवान वामन के अवतार में यहाँ आए थे पृथ्वी पर और मांगने का काम किए। आपको बता दे
एक प्रक्षित नाम का जो है राजा था, शायद प्रक्षित ही नाम हो, आप लोग देख लीजिए क्या नाम होता है। प्रक्षित नाम का एक राजा था जो बहुत बड़ा दानी था, ठीक है, और दानी के साथ साथ था भी, वो दानी भी था, बहुत अधिक दान करता था, लेकिन उसको अपने दान कर्म का क्या हो गया था, घमंड हो गया था। घमंड होने का मतलब है कि अपने दान दान के प्रति उसको घमंड हो गया था। वो सोचता था कि भाई हम तो अब किसी को कुछ भी दान दे सकते हैं, तो घमंड करना अच्छा बात नहीं होता है। तो भगवान आते हैं, विष्णु जी अवतार लेते हैं वामन के अवतार में, मतलब वामन मतलब होता है दोस्तों याचक, वामन के अवतार में आते हैं, वामना अवतार बोलते हैं उसको, याचक मतलब मांगने वाला के रूप में आता है, मांगने वाला के रूप में जो है आते हैं, और उस राजा को बोलते हैं परीक्षित को कि भाई हमें तुम कुछ दे सकते हो। तो परीक्षित बोलता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, जो हम सब कुछ क्या कर सकते हैं आपको दे सकते हैं। तो जो विष्णु भगवान है वामन के अवतार में आए हैं, वो कहते हैं कि बस 3 पग धरती तुम मुझे दे दो। तो अपने मंत्री को बोलते कि भाई जाओ इसको कहीं पे 3 पद धरती दे देना। 3 पग का मतलब है 3 डेग। तो जाते हैं विष्णु भगवान, 1 पग में पूरा पृथ्वी माप देते हैं और 1 पग में पूरा आकाश माप देते हैं। तो फिर प्रक्षित को बोला जाता राजा प्रक्षित को कि भाई अब 3रा पाँव मैं कहाँ नापूँ। तो 3रा पाँव जो है राजा प्रक्षित बोलते हैं कि हमारे सर पे आप रखिए। इस तरह से उसका जो है वचन पूरा हो जाता है कि भाई मैंने आपको 3 पग दे दिया। तो वामना अवतार जो विष्णु जी आए थे वामन के अवतार में, तो वो क्या हुआ, 3 पैर में तो पूरा वसुधा अपने पूरा दुनिया नाप दिए, लेकिन फिर भी मांगने वाला कहलाए। वही कवि इसमें बोले हैं कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम। मांगने से पद घटता है, आप कितना भी बड़ा काम करें उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। और 3 पैर वसुधा करी, विष्णु जी 3 पैर में पूरा दुनिया नाप दिए, पूरा आकाश और धरती नाप दिए, तो बामने नाम, फिर भी उसको बामन के नाम से ही जाना जाता है। तो इतना आप जो है व्याख्या समझ गए, दो आप दोहा भी समझ गए। अगर इसमें से कोई भी दोहा पूछ लिया जाता है और उसका व्याख्या पूछ लिया जाता है, तो आप व्याख्या भी बता सकते हैं, आप कैसे करना है। रहीम के अनुसार जो है भीख मांगना कैसा है, तो उसके 3 दोहा का 2 दोहा के मदद से हमने समझा कि रहीम के अनुसार भीख मांगना अपमानजनक कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है रहीम ने पानी शब्द का अर्थ कितने अर्थ में अपने पद में प्रयोग किया है। क्वेश्चन है कि रहीम ने पानी शब्द का जो अर्थ है कितने अर्थों में अपने पद में किया है, मतलब अपने दोहा में किया है। तो अगर पानी से रिलेटेड जो आपका दोहा है, अगर वो मैं आपको बताऊं, तो वो दोहा है कि रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सून। मतलब रहीम कभी बोलते हैं कि पानी राखिए, भगवान को बोलते हैं कि पानी राखिए, मेरा पानी का मतलब रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। कभी कहना चाहते हैं कि मेरा पानी रखिए, पानी रखने का मतलब है इज्जत। मनुष्य के लिए पानी क्या है दोस्तों, इज्जत है। और भगवान से कभी याचना करते हैं कि मेरा पानी क्या कीजिए, रखिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन। और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे बिना पानी का 3 चीज़ों का अर्थ कुछ भी दुनिया में नहीं है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चुन। तो 3 अर्थों में यहाँ पर किया गया है। उत्तर में लिखेंगे रहीम ने पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। पहला तो मोती के संदर्भ में, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून। अगर मोती का पानी चला जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मोती में पानी का मतलब है दोस्तों चमक, चला जाए तो कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य के लिए पानी क्या दोस्तों, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, प्रतिष्ठा जिसको आप कह सकते हैं। तो मनुष्य का इज्जत चला जाए, प्रतिष्ठा चला जाए, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है। और चूना में आप सभी जानते हैं, चूना के संदर्भ में पानी जल है, क्योंकि चूना से हम 2 काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, खैनी उनी भी खाते हैं, तो उसमें आप जानते हैं। लेकिन चूना का काम पेंटिंग के लिए भी किया जाता है, घर वाल पेंटिंग के लिए, तो बिना पानी में डाले उसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो चूना के लिए जो पानी महत्वपूर्ण है, वो उसका क्या अर्थ है, जल है। तो यहाँ पर आप जो है 3 अर्थों में किया गया है, किसके लिए किया गया आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हम आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछ रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि धन के लिए हाय हाय करने वाले को रहीम ने क्या कहा है। तो धन के लिए हाया करने वाले को रहीम ने, आप देख सकते हैं, धन के लिए हाया करने वाले को रहीम ने पशु से भी अधम, है ना, अधम माना है। अधम मानने का मतलब खराब। जो धन के लिए हाया कर रहा है, कभी उसको
पशु से भी खराब मानते हैं, पशु से भी गया गुजरा बुरा आदमी मानते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि रहीम का पूरा नाम क्या था। तो आपको बता दें दोस्तों कि रहीम का जो पूरा नाम था वो था दोस्तों, रहीम का जो आपका पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना था, है ना। आपको बता दें कुछ इस टाइप के का था, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना आप याद रखेंगे, खाने लगा देना आपको, क्योंकि आपको बता दें देखिए जो कवि हैं आपके उसका नाम है अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम है, अब्दुल रहीम। ये खाने खाना जो है दोस्तों, खान खाना वो पद है, उपाधि जानते होंगे आप लोग, उपाधि है जो अकबर के द्वारा इन्हें दिया गया था, अकबर के द्वारा दिया गया एक उपाधि है। तो इनका पूरा नाम इस टाइप से हो जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, अब्दुल रहीम खान खाना। तो खान खाना क्या है, उपाधि है। और आपको बता दें कि रहीम कवि अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, आपको पता होगा ही अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप, तो नवरत्न थे और नवरत्न में भी एक दोस्तों के कौन आते थे, रहीम भी नवरत्न में से थे, इतने दोस्तों क्या थे, रहीम महत्वपूर्ण थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और देख लेते हैं जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, रहीम के पिता का नाम क्या था। तो रहीम के पिता का नाम आप याद रखेंगे बैरम खां था, क्या था दोस्तों, बैरम खां था। और बैरम खां अकबर का अंगरक्षक था, ये भी याद रखेंगे, अंगरक्षक, अंगरक्षक मतलब है कि अकबर बहुत छोटा था दोस्तों, अकबर बहुत छोटा था, उसी टाइम में उसको राजा का पद संभालना पड़ा। तो बैरम खां जो है दोस्तों सेनापति था, बैरम खां सेनापति था, सेनापति होने के नाते अकबर को पूरा सुरक्षा प्रदान किया, किसने, बैरम खां ने। तो बैरम खां बहुत खास आदमी था, उसका गुरु था, उसका अंगरक्षक था, सब उसको देखभाल करने का काम करता था। और बैरम खां का ही पुत्र था दोस्तों कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि जो रहीम है वो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।